नमस्कार आदाब, मैं हूं। तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास गाड़ी है भाई, हुंडई क्रेटा ई वेरिएंट। उसके अंदर हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल काम चल रहा है म्यूजिक सिस्टम का। देखेंगे आप, उसके डोर हमने खोल लिए, ठीक है भाई। अभी इसका काम चल रहा है म्यूजिक सिस्टम का। उसके अंदर लगाने वाले हम कंपोनेंट फ्रंट डोर पे, और ये डोर पे हम लगाएंगे कोएक्सियल। जो स्पीकर लगाने वाले हैं भाई, वो लग रहे हैं इन्फिनिटी प्राइमस के। आगे कंपोनेंट लगेंगे, देखेंगे क्रॉस ओवर, इन्फिनिटी प्राइमस का क्रॉस ओवर है ये। और ये इसका स्पीकर है भाई, जो हम लगाने वाले हैं प्राइमस का, ठीक है। ये आगे आगे के डोर पे लगेंगे, और ये ट्यूटर रहा जो आगे लगेंगे। पीछे लगेंगे कोएक्सियल, जो वो भी इन्फिनिटी के रहेंगे, प्राइमस सीरीज। ये देखेंगे आप, ये भाई कोएक्सियल स्पीकर है, ठीक है। पीछे के डोर पे लगेंगे, और ये पीछे लग रहा हमारा डिग्गी में कैमरा पूरा हमारा ओएम कैमरा लग रहा है भाई। दिखाऊँ आपको तो, ये देखिए जो पूरा ओएम कैमरा लग रहा है, ठीक है। गाड़ी के अंदर जो भी काम हो रहा है भाई, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और ये इसका डमी पार्ट जो आता लाइट, जो हम वो निकाल दिए, उसके जगह हमने कैमरा लगा दिया। जो ओएम कैमरा लगा हुआ था, सेम वही लगा दिया। और वायरिंग वगैरह हो रही है, ठीक है भाई। पीछे कंपनी पीछे कोएक्सियल लग गए हमारे। और इसके अंदर लगाएंगे हम भाई स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल नहीं लगाएंगे हम। इसके अंदर लगाएंगे स्टीयरिंग कंट्रोल, और प्लेयर जो लगाने वाला भाई, प्लेयर भी इसके अंदर लगेगा, एंड्रॉयड प्लेयर, जो कि फुल ओएम स्टाइल में होगा, ठीक है। अब चलते अंदर, अंदर मैं आपको दिखाऊँ कि रहा हमारा एंड्रॉयड प्लेयर ब्लॉकबस्टर का, जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं फुल ओएम स्टाइल में भाई। खोल कर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा। अब ये देखिए, ये फुल ओएम स्टाइल में भाई। ये नॉब सेंटर में, ये स्विच दिए साइडों में, फुल टच है का, नीचे टच नहीं है, बाकी तो स्क्रीन टच ही। पीछे का सिस्टम देखिए आप, ठीक है भाई। ये इसके अंदर लगने वाला है, और ये लग रहा है हमारा इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल, जो कि ओरिजिनल है, होंडा का जीनियन पार्ट। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। ये देखिए, ये होंडा का जीनियन पार्ट है भाई, स्टीयरिंग कंट्रोल। इसकी लंबी जो है वो भी ओरिजिनल लगेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर लग रहा है सनग्लास होल्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ठीक है। सनग्लास होल्डर भी आप देखेंगे, इसमें होंडा की बेजिंग वगैरह आपको दिख जाएगी। पूरा जीनियन पार्ट है भाई ये, कोई डुप्लीकेट नहीं है, होंडा का प्रॉपर है। ये इसकी लुम देखेंगे आप, ये भी होंडा की जीनियन है, ठीक है। कोई लोकल नहीं है, भूसते का लोकल लगा देते हैं ओरिजिनल दिखा के। हम पूरा प्रॉपर तरीके ओरिजिनल लगा रहे हैं, देखेंगे अभी होंडा का जीनियन पार्ट, ये सनग्लास होल्डर जो हम लगाने वाले इसके अंदर, ठीक है भाई। ये देखिए आप, फुल ओरिजिनल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर लग रही ब्लोपंग एलईडी हम लगाएंगे हेडलाइट के अंदर। हेडलाइट चेंज करेंगे बल्ब इसके। अब चलते हैं भाई सीट कवर काम करने के लिए, तो आइए चलते हैं अंदर। तो भाई यहाँ पे लग रहे हैं हमारे सीट कवर आप देखेंगे नापा लेदर लग रहा है इसके अंदर, ब्लैक एंड रेड स्टिचिंग में, ठीक है भाई। हमारे फराज भाई लगा रहे हैं इसके अंदर सीट कवर, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के सीटों में सीट कवर लगा रहे हैं फराज भाई। चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी भाई खड़ी है हमारी क्रेटा। तो भाई ये लग चुका हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल, ये देखेंगे आप। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल नहीं लगाया हमने, एमआरडी की स्विच है। ये एंड्रॉयड प्लेयर भी हमारा लग चुका है ओएम स्टाइल में, देखेंगे आप। और ये पीछे लग रही है भाई, पीछे क्या लग रही है, छत पर लग रही है रूफ लाइट, जो सनग्लास होल्डर आता है, और कनेक्शन होंगे उस जगह से, ये आप देखेंगे तो ये निकल गए पूरे कनेक्शन, ओएम स्टाइल में पूरा कनेक्शन होंगे भाई। ये देखो ये निकल गया, ये अल्फेज भाई ने पूरा काट दिया। और ये रही भाई इसकी सनग्लास होल्डर, ये देखेंगे आप, ये सनग्लास होल्डर है इसका, ये देखेंगे आप, ये देखिए। और ये इसकी वायरिंग है भाई, ये वायरिंग जो है ये पीछे जाएगी, पिन टू पिन, क्लिप टू क्लिप होगी, ये देखेंगे आप। तो ये क्लिप टू क्लिप होगी और ये इधर आएगी। बाकी कंपोनेंट वगैरह हमारे लग चुके हैं, ये देखेंगे आप। तो कंपोनेंट लगे आगे, पीछे लगे कोएक्सियल, डोर पिक कर दिया लेकिन, ठीक है भाई। और क्या चल रहा है काम, वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी इंडिगो खड़ी बगल में हमारे, इंडिगो CS, इसमें भी प्लेयर लग रहा है गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी आप देखेंगे भाई, MP की है लेकिन भोपाल के बाहर की है, देखेंगे आप, ठीक है भाई। तो चल रहा है हमारे क्रेटा में काम, उधर चल रहा है सीट का काम। तो गाड़ी के अंदर, गाड़ी में भी आपको दिखाऊँ, तो हमारी लाइट ऊपर की, सनग्लास होल्डर लग चुका है। ये देखो भाई, ये लग गया हमारा सनग्लास होल्डर। अब ये लग रही है क्रेटा की वेलकम प्लेट, ये निकल के ये लग जाएगी, अभी लग रही है वो, ये देखेंगे। हटी भी आना दिखाई जाना, ये देखो साहब, प्लास्टिक का फावर निकाल दिया है, वो रखा हुआ है इसके जगह, ये लग रहा है, ठीक है, लगाओ लगाओ। और ये हमारे आदरणीय पप्पू भाई आ चुके हैं, जो कि भाई पूरा तांझम लेके चलते साथ में, ये करते भाई रिमोट का काम, ठीक है। सेंटर लॉक, पावर विंडो,
जितने भी रिमोट वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। देखो सोल्डर की सोल्डरिंग मशीन भी रखी हुई यहाँ पे, और सोल्डरिंग कहाँ रखी है लगी है, देखो फुल जुगाड़ पूरा तामझाम है भाई का। तो भाई अगर आपको आपकी गाड़ी में अगर रिमोट से रिलेटेड कोई भी काम कराना सेंट्रल लॉक पावर विंडो को आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा मैं, चाबी रिमोट पावर विंडो जो भी एक्स वाई जेड जो भी काम हो स्कैनिंग वगैरह का सब करते हैं भाई। तो अभी हमारे पप्पू भाई कर रहे हैं रिमोट का काम जो कि इंडिगो इंडिगो खड़ी हुई है। हाँ सतीश भाई प्यार से पप्पू भाई भी कहते हैं हम लोग भाई। अभी इंडिगो खड़ी, इंडिगो CS उसका रिमोट सही कर रहे हैं अभी। ये देखेंगे आप, ये खड़ी है इंडिगो CS, इसका रिमोट थोड़ा गड़बड़ हो रहा था तो रिमोट वो कर रहे हैं रिपेयर। पप्पू भाई क्या चाल है? एकदम बढ़िया। ये देखो सोल्डरिंग की जुगाड़ भाई, देखो आप पूरी जुगाड़ गाड़ी से, कहीं भटकना नहीं, पूरी दुकानदारी साथ में है। हाँ ये देखो भाई पूरी फुल जुगाड़, जुगाड़ मतलब क्या परमानेंट काम है। दुकान में जाएंगे, दुकान में सोल्डरिंग करेंगे, गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी लेके आओ, तो हमारे पप्पू भाई फुल सर्विस देते हैं। तो भाई पप्पू भाई अपना काम कर रहे हैं, अपने अपना काम करते हैं। डिस्कशन में नंबर डाल दूंगा भाई का, तो आप बिल्कुल उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका सेंटर लॉक या चाबी से रिलेटेड जो भी काम है वो आप इनसे करवा सकते हैं जी भाई। सेंटर लॉक के रिमोट वगैरह भी मिल जाते हैं, सेंटर लॉक के रिमोट वगैरह ही मिल जाते हैं भाई। पूरा कोई भी रिमोट हो, RD मर्सिडीज BMW सबके रिमोट आपको मिल जाएंगे। मारुति से लेके मर्सिडीज तक सब मिल जाएगा आपको। वॉक्स वैगन पोलो मोलो सबके मिल जाएंगे आपको रिमोट इनके पास। तब चलते हैं भाई हमारी क्रेटा में, हम करते हैं क्रेटा में काम। ठीक है भाई, अभी एक भी लगा तुमने भाई। ये देखो भाई 3M का प्राइमर लग रहा है। अच्छा 3M का प्राइमर लगा के लगा रहे हो क्या? ये देखो भाई 3M का प्राइमर लगा के काम चल रहा है। तो भाई गाड़ी हमारी हो चुकी पूरी कंप्लीट, या आप देखेंगे पूरी गाड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। और इसका हमने क्या क्या आइटम और क्या क्या ऐसे लगाई है मैं बताता हूँ आपको। इसका हमने लगाया डोर वाइजर देखेंगे आप, जो कि CNLEC कंपनी के हैं। ठीक है भाई, और ये विंडो गार्निश CNLEC कंपनी की है। हैंडल कॉर्म जो लगा हमने वो CNLEC कंपनी का है। पूरा सामान जो लगा बाहर देख रहे हैं CNLEC कंपनी का लगा है। ऊपर साथ अभी रूफरेल लगेगी और आगे क्रोम ग्रिल लगेगी, देखो भाई लेके खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, वो पीछे डिग्गी में मैं आपको बताऊँ तो डिग्गी हमने लगाई बूटमेट भी लगाई और ट्रे भी लगाई है। ये देखिए ये बूटमेट भी हमने लगाई है इसके अंदर, और ये ट्रे भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है। ट्रे भी आप देखेंगे। हाँ तो भाई ये इधर भी देखेंगे आप, तो रुफेल भी लगेगी। अभी सेठ जी ने बोल दिया रुफेल लग रही है। अभी क्रोम ग्रिल लग रही है क्या? तो भाई क्रोम ग्रिल भी लग रही है इसके अंदर, ये देखेंगे आप। तो क्रोम ग्रिल हटाना भी, हटाना एक मिनट। ये देखो भाई अभी AC है, अब लगाना क्रोम ग्रिल। अब ये क्रोम ग्रिल लगने के बाद AC लगी है गाड़ी। तो ये लगाते हैं भाई क्रोम ग्रिल, उसका आपको दिखाते हैं। प्राइमर लिया 3M का प्राइमर लिया। तो भाई क्रोम ग्रिल हमारी लग चुकी है, ये आप देखेंगे। और पीछे रूफरेल भी हमारी लग गई है, ये देखिए ये रूफरेल भी लग गई हमारी। ठीक है भाई, रूफरेल भी लगा दी हमने। ये स्टीयरिंग कवर इसको स्टिच किया है, ये सीट कवर हमारे लग चुके हैं पूरे, ये आगे से लेके पीछे तक। ऊपर की लाइट ठीक है, स्टीयरिंग ग्लास होल्डर, स्टीयरिंग कंट्रोल, और ये प्लेयर 70 मैट लगाई हमने। और ये वेलकम प्लेट ये भी लग चुकी है, ये देखेंगे आप। ये पीछे की 70 मैट तो पूरा कारपेट कवर कर लिया इसने। ये पीछे की हमारी वेलकम प्लेट ये देखेंगे आप, ये सीट कवर, ये ट्रे। तो ये काम तो भाई गाड़ी के अंदर पूरा काम हमने गाड़ी के अंदर कर दिया है। अब बचा इसका साउंड, तो साउंड भी आपको सुनाएंगे इसका साउंड कैसा आ रहा है। ठीक है भाई, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको सुनाते हैं इसका साउंड आउटपुट। अब आप इसका साउंड सुनिए। ठीक है भाई, चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको साउंड सुनाते हैं। अब भाई इसके अंदर एक काम और बढ़ गया है, मैं आपको बताऊँ क्या काम बढ़ गया है। लॉक खोलना जरा, स्टीयरिंग घुमा, स्टीयरिंग अभी इधर घुमा। फिर ऊपर के आप देखेंगे भाई, तो येलो बल्ब था, येलो बल्ब निकाल कर इसके अंदर लग रही है। वाइट बल्ब ये पूरी निकल रही है, और भाई इसकी हेडलाइट के बल्ब भी हमने चेंज कर दिए। ये देखो आप, ये वाइट रोशनी इसकी, ये इसकी वाइट रोशनी कर दी हमने। LED बल्ब लगा इसके अंदर, ब्लो पंखे, वाइट रूफ लाइट और दो बल्ब। दिन में इतनी है, रात में बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी। क्या YouTube वालों के हमारी वीडियो पे कॉपीराइट क्यों आता है भाई? ठीक है भाई,
ये बल्ब लगा रहे ऊपर के, उसका सुनाते हैं आपको साउंड आउटपुट। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.